Good afternoon, everybody. Thanks for coming, and it's good to see you all. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि knee replacement and hip replacement बड़े common procedures हो गए हैं और हमारे elderly patients में काफी कामयाब surgeries हैं. इन्हीं implants के around जो fractures हैं, वो भी अब common होते जा रहे हैं. किसी ने knee replacement कराया, hip replacement कराया और उसके around अगर fracture हो जाए then that's a significant complication और previously normal mobile जो हमारा patient है वो bedridden हो जाता है. generally ऐसे fractures normal standard technique से जुड़ जाते हैं और कोई complication नहीं होती है, but कभी कभी किसी किसी case में infection के कारण ऐसे fractures काफ़ी complicate हो जाते हैं जिसमें specialized techniques की ज़रूरत पड़ती है और कभी कभार बहुत कुछ करने के बावजूद भी लिम्ब को सैलवेज करना या फिर पेशेंट को दोबारा से वॉक करा पाना लगभग नामुमकिन होता है. आज हम इसी तरह के एक पेशेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, हुज़ अ 70 ईयर ओल्ड माताजी जिनका टोटल नी रिप्लेसमेंट बाहर हॉस्पिटल में किसी हॉस्पिटल में हुआ था और 6 महीने ठीक चलने के बाद अनफॉर्चुनेटली वो स्कूटर से गिर गई एंड शी सफर्ड अ फ्रैक्चर ऑफ द थाई बोन. जिस साइड का नी रिप्लेसमेंट हुआ था उसी साइड पे उनका थाई बोन फ्रैक्चर हुआ. जिस हॉस्पिटल में उनका नी रिप्लेसमेंट हुआ था उसी हॉस्पिटल में उन्होंने उस फ्रैक्चर का इलाज कराया. अनफॉर्चुनेटली वो फ्रैक्चर की जो सर्जरी है, जो सेकेंड सर्जरी थी, उसमें इन्फेक्शन हो गया. इन्फेक्शन होने के कारण मल्टीपल टाइम्स उनको सफाई करनी पड़ी उस जख्म की, बट फिर भी इन्फेक्शन ना तो इन्फेक्शन कंट्रोल में आया और ना ही फ्रैक्चर जो है वो जुड़ने की तरफ प्रोग्रेस कर रहा था. क्योंकि फ्रैक्चर नहीं जुड़ रहा था तो धीरे धीरे जो प्लेट फ्रैक्चर को जोड़ने के लिए लगाई गई थी वो भी धीरे धीरे बेंड होके टूट गई थी. अल्टीमेटली जब हमने उस पेशेंट को इनहेरिट किया तो पेशेंट प्रैक्टिकली बेडरिडन था. मल्टीपल जगहों से थाई में पस आ रही थी उनके एंड शी वॉज इन सिवियर पेन. ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन में पेशेंट मल्टीपल ओपिनियंस लेता है, तो उन्होंने चंडीगढ़ और आसपास के सारे बड़े प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में ओपिनियन ली थी और बहुत ज़्यादा कोई होप के साथ वो हमारे पास नहीं आए. इनफैक्ट कईयों ने तो उन्हें कहा था कि माता जी प्रोबेबली एम्पिटेशन इज द ओनली ऑप्शन. एम्पिटेशन मीन पैर को काट देना, जहाँ से फ्रैक्चर हुआ है वहाँ से काट के निकाल दे ताकि इन्फेक्शन खत्म हो जाए. इन एनी केस एज अ लास्ट डिच एफर्ट, लास्ट डिच होप, दे केम टू मी in that state. I'll be sharing her x-rays and story a short while. Presentation पे मैं दिखाता हूँ आपको. And then it was treated with an innovative technique which has been devised by me and my team. And we could get her back to the feet again in a step-wise manner. तो वही चीज़, वही केस हम आज शेयर करेंगे. It is something new, something innovative. And let's see how we went about that. Let me know when. Yes, sir. Okay. So technically, is situation ko hum kehte hain infected non-union periprosthetic fracture of the femur around TKR. That basically means TKR hua hai, uske around fracture hua. Periprosthetic means prosthesis ke around fracture. और उस fracture का ना जुड़ना is non-union और साथ में infection का होना is infected. So the technical term is infected non-union periprosthetic fracture of the femur. इस सिचुएशन में हमने पेशेंट को इनहेरिट किया जी. यू कैन सी टोटल नी रिप्लेसमेंट हुआ है, एक प्लेट लगी हुई है, पर फ्रैक्चर ना जुड़ने के कारण और इन्फेक्शन के कारण ग्रेजुअली ये प्लेट बेंड होकर टूट गई. इस सिचुएशन में पेशेंट हमारे पास आया, द लेडी वॉज कम्प्लीटली बेड रिडन, मल्टीपल जगहों से पस आ रही थी उनके थाई में एंड शी वॉज इन सिवियर पेन. काफ़ी हॉस्पिटल्स में उनको एम्पुटेशन बता दिया गया था कि फ्रैक्चर के अराउंड आप एम्पुटेशन करवा लो ताकि एक बार में पस वगैरह बंद हो जाए. जो ये टेक्निक है हमने जो इसमें किया, इट इज अ 3-स्टेज टेक्निक. पहली स्टेज में यू हैव टू गेट रिड ऑफ द इन्फेक्शन, क्योंकि जब तक इन्फेक्शन से हमें निजात नहीं मिलेगा तब तक हमारा आगे प्रोग्रेस होना मुश्किल है. सो पूरी अंदर से गली हुई हड्डी जो कि इन्फेक्टेड थी उसको निकाला गया, एक लंबी प्लेट से फिर से थाई बोन को फिक्स किया गया और आप देख पा रहे हैं ये बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप है जिसमें एंटीबायोटिक से भरा हुआ हमने बोन सीमेंट भरा. इसके दो फायदे हैं, एक तो ये जो स्पेस है इसको भरता है ताकि पेशेंट अगले दिन से वॉकर से चल पाए,
और दूसरा ये लोकल एंटीबायोटिक डिलीवर करता है ताकि कीटाणु को वहां मारा जा सके। जो हम एंटीबायोटिक मुंह से या आईवी इंजेक्शन से लेते हैं वो कई बार पूरी कॉन्सेंट्रेशन में वहां नहीं पहुंच पाते, तो इस कारण से इस स्पेसर को डाला जाता है। इस केस में भी ये किया गया, 10 सेंटीमीटर का डिफेक्ट था और इमीडिएटली नेक्स्ट डे से पेशेंट वॉकर से चल पाया। धीरे धीरे उसके सारे जख्म भर गए, 12-14 दिन बाद उसके टाके निकल गए और अब फर्स्ट थाई से आना बंद हो गया था। ऑलमोस्ट पेन फ्री पेशेंट वॉकिंग विद अ वॉकर। ऐसी स्थिति में जो सेकेंड स्टेज है उसको करीब करीब 6 से 8 हफ्ते बाद किया जाता है और इस पेशेंट में भी 6 से 8 हफ्ते बाद जो ये स्पेसर है इसको निकाला गया और आप ये गैप देख रहे हैं करीब 10 सेंटीमीटर का। इसको भरने के लिए एक न्यू इनोवेटिव टेक्निक है जो कि हमने परफेक्ट और डेवलप की है, जिसे रेल प्लेट टेक्निक कहते हैं। इसमें प्लेट को अंदर ही रखा जाता है और आप देख पा रहे हैं कि ये ऐसे एक जंगला लगाया है हमने काले रंग का यहाँ पे, और हड्डी को एक आर्टिफिशियली ब्रेक किया गया है। इस हड्डी के टुकड़े को ग्रेजुअली 0.5 to 1 मिलीमीटर पर डे स्ट्रेच किया जाता है और धीरे 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 ये जो बोन का पीस है ये नीचे आता है और जो ऊपर गैप क्रिएट होता है उसमें नेचर अपने आप बोन क्रिएट करती है। आप ये देख पाएंगे 3 महीने पे, यू कैन सी ये बोन पीस नीचे आ रहा है, इसको हम रेल प्लेट से नीचे खींच रहे हैं और जो ये गैप है इसमें ग्रेजुअली बोन फिलअप हो रही है। 5 months में ये लगभग 5 महीने में ये पूरा का पूरा बोन पीस नीचे आ गया और नीचे के टुकड़े से जाके टकरा गया और यहाँ पर ये ऑलरेडी बोन का क्लाउड बनना शुरू हो गया। इस स्टेज पे थर्ड स्टेज सर्जरी की जाती है जिसमें ये फिक्सेटर को निकाल दिया जाता है और इस बोन को प्लेट के द्वारा दोबारा से वहाँ फिक्स किया जाता है ताकि वो वहीं टिका रहे और इस जगह पे जहाँ पर ये डॉकिंग हुई है, इसे डॉकिंग कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंट का अपना बोन निकाल कर डाल दिया जाता है। समथिंग लाइक दिस, इफ यू कैन सी कि प्लेट फिक्स कर दी, एक रॉड एडिशनली डाल दी हमने और ये बोन ग्राफ्ट डाल दिया। पेशेंट पूरे दौरान इज एब्सोल्युटली पेन फ्री और ये उनका रीसेंट वीडियो है, अ पेशेंट हु वाज बेडरिडन इज नाउ एबल टू वॉक इंडिपेंडेंटली विद अ स्टिक ऑफ एंड ऑन इन हाउस। कोई पस नहीं है जी, कोई उनको एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है और absolutely back to her normal activities of daily living. So this is a recent video, लगभग 10 पुराना video है ये इनका, and this technique has given a new hope to many patients like her. I'll play that again. Demanding an amputation. Going from there to this stage is a huge, sort of a huge medical miracle. एंड आई वॉन्ट से कि जो ये टेक्निक है 100% सक्सेसफुल है, हमारे हैंड्स में इट हैज़ गिवन अ सक्सेस रेट ऑफ अराउंड 90%। और कहा जाए डिफिकल्ट सिचुएशन में ये टेक्निक यूज़ की जाती है उसमें 90% सक्सेस रेट इज कंसिडर्ड टू बी क्वाइट एन अचीवमेंट। पुरानी टेक्निक्स भी हैं इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए, बट देर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ दिस न्यू टेक्निक ओवर दिस वन। एक तो ड्यूरेशन ऑफ जो ट्रीटमेंट है हमारा, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। जो हिस्टोरिकली जो टेक्निक्स हैं उसमें जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है वो लगभग 50 डेज पर सेंटीमीटर है। तो अगर हम इस पेशेंट की बात करें जिनमें 10 सेंटीमीटर का डिफेक्ट था, उसमें ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट विद ओल्ड टेक्निक्स वुड हैव बीन 500 to 600 डेज, विच इज क्लोज टू 1.5 to 2 years। तो उतनी ड्यूरेशन तक ट्रीटमेंट चलाना पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल रहता है। इस टेक्निक के साथ हम ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है वो कम पेनफुल होता है और तीसरा जो हिस्टोरिकली जो ट्रीटमेंट रहे हैं वो टोटल नी रिप्लेसमेंट या टोटल हिप रिप्लेसमेंट के अराउंड के फ्रैक्चर्स को एड्रेस नहीं करते। तो इन फ्रैक्चर्स के लिए स्पेसिफिकली ये जो मोडालिटी है बहुत कामयाब और कारगर सिद्ध हो रही है। और आपने जैसे देखा कि रिहैबिलिटेशन भी बेटर है, नी की रेंज ऑफ मूवमेंट, पेशेंट की लेंथ की इक्वालिटी, एवरीथिंग यू कैन अचीव विद दिस। सो आई फील दैट दिस टेक्निक कैन गो अ लॉन्ग वे इन रेवोल्यूशनाइजिंग द ट्रीटमेंट ऑफ सच काइंड ऑफ पेशेंट्स।